हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने बायो एसे के बारे में। तो ये हमारी फार्माकोलॉजी सेकंड की यूनिट फिफ्थ का लास्ट चैप्टर है, यानी कि बायो एसे। और इससे पहले हमारा ये था फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसके जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यूट्रस, ये सारे वाले, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने उसी को कवर किया। आपने नहीं देखे हो जाके आप जरूर से चेकआउट कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है, जाके जरूर देख लेना। तो अब हम बात करते हैं बायो एसे के बारे में। तो इसमें हमारा बेसिकली अगर क्वेश्चन देखे जाए मेनली, वैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज कर रहे थे, तो यहां पर मेनली हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई बायो एसे, ये कई बार हमारा पूछा गया है। और इसके अलावा हमारे क्वेश्चन बनता है राइट द बायो एसे ऑफ इंसुलिन, डी ट्यूबोक्यूरिन, डिजिटलिस या ऑक्सीटोसिन। तो इसमें वैसे बेसिकली हमारे 7 ड्रग्स हैं, लेकिन यहां मैंने मेन 4 ड्रग के बारे में लिख रखा है, ठीक है, तो किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो यहां आज इस वीडियो में हम अपने 3 के बारे में बात करेंगे, इंसुलिन के बारे में, डी ट्यूबोक्यूरिन के बारे में और डिजिटलिस के बारे में। ऑक्सीटोसिन को यहां पे हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, होगा तो फ्यूचर में जरूर कवर करेंगे, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है, आप इसको स्किप मत मारना, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, एक पूरा का पूरा मतलब इंपॉर्टेंट है, जो इनमें की जगह किसी की जगह भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। नोट्स आपको कुछ ही टाइम बाद मैं तुरंत ही मतलब टेलीग्राम वगैरह पे इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर समझते हैं अपने बायो एसे के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। चलिए, तो यहां अगर हम बात करें बायो एसे की, तो ये बेसिकली हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला हमारा आता है बायो और दूसरा हमारा आता है एसे। तो अगर बायो कहीं भी वर्ड आता है, बायो का सिंपल फंडा क्या होता है, यहाँ पे बात हो रही है लिविंग बींग्स के अंदर, और लिविंग बींग्स हमारे वो जो हमारे सांस ले रहे हैं, जीवित है, यानी कि जिंदा लोग हैं, जैसे हम लोग हो गए, एनिमल्स वगैरह हो गए, और प्लांट्स वगैरह भी हमारे आ जाते हैं। अब जहां भी वर्ड आ जाए एसे, तो एसे का मतलब होता है हम किसी चीज़ को यहां पे क्या करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं यहां पर बात हो रही है टेस्ट की, ठीक है। तो अगर मिला के वर्ड देखा जाए, तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर हम अपने कुछ टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, किन के ऊपर, लिविंग बींग्स के ऊपर। तो अब सवाल आता है हम किसको परफॉर्म करेंगे और क्या चीज हमको पता करनी है। तो मेनली जो हमारा बायो ऐसे होता है, वहां पर जो हमारे ड्रग्स होते हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, ड्रग्स का टेस्ट करते हैं और ड्रग्स की पोटेंसी को पता लगाते हैं। पोटेंसी मतलब होती है ताकत, यानी कि जो अपना ड्रग्स है वो अपना काम ठीक से दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो इस चीज को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बायो ऐसे को परफॉर्म करते हैं। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल समझो। देखो, गांव वगैरह में या कहीं भी आपने देखा होगा, कभी कोई बीमार होता, मान लो एक हमारा ए नाम का डॉक्टर है, एक हमारा बी नाम का डॉक्टर है। अब मान लो कोई भी हमारा पेशेंट है यहाँ पर, तो पेशेंट हमारा दवा लेने गया, बीमार हो गया, तो मान लो वो यहाँ पर गए, इसके बाद तो इन्होंने इसको दवा दी, और इसको दवा देने के बाद क्या हुआ, ये पेशेंट हमारा ठीक नहीं हुआ। तो फर्दर क्या होगा, ये कुछ टाइम बाद वहाँ रेस्ट करेगा, बेड पर पड़े, फिर ये दोबारा गए इनके पास और इन्होंने इससे दवा ली, इसने जो दवाई दी वो उससे क्या हो गया, पेशेंट हमारा ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम इस अनुमान से क्या पता लगाएंगे, ये कि जो हमारा डॉक्टर ए है वो हमारा ज़्यादा अच्छा नहीं है, या उनकी जो दवा है वो हमारी काम की नहीं है, और जो पेशेंट हमारा ये बी डॉक्टर है उसने वही बढ़िया इलाज किया है और वो काम की चीज़ें, मतलब इसने पहले टेस्ट वगैरह कराई, ये सब चीज़ कराई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने केवल इस पेशेंट के बेस पर पता लगाया कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है और कौन सा डॉक्टर कौन सी दवा बढ़िया दे रहा है। तो सेम फंडा हमारा यहाँ बायो एसे में होता है, क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा ड्रग्स होता है उस ड्रग को हम क्या करेंगे, पेशेंट की जगह यहाँ पर हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं, तो एनिमल्स के ऊपर क्या करेंगे, हम उस ड्रग को परफॉर्म करेंगे। और अगर वो ड्रग से हमारा वो एनिमल जो भी होगा उसको पहले तो हम बीमारी कॉज कराते हैं, या ऐसे एनिमल्स को चूज करेंगे जिन्हें कोई डिजीज होती है। तो मान लो एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लो किसी को यहां पर क्या है, इसको फीवर है, ठीक है, फीवर है, और यहाँ पर हम पैरासीटामोल का टेस्ट कर रहे हैं। तो पैरासीटामोल कैसे हमने कहा किया, यहाँ पर अपना ड्रग इसको अप्लाई किया। अब कुछ देर बाद हम देखेंगे अगर ये जो हमारा ये एनिमल होगा इसका अगर फीवर डाउन हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारी पैरासीटामोल एकदम परफेक्ट है, और अगर इसका फीवर ठीक नहीं होगा तो हम कहेंगे पैरासीटामोल हमारी क्या है, खराब है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पता लगाया एनिमल्स के ऊपर इस ड्रग को अप्लाई करके कि जो हमारा ड्रग है उसकी पोटेंसी क्या है, वो ठीक है कि नहीं है। तो ये बेसिकली फंडा हमारा पूरा होता है बायो ऐसे, इसमें हम इस चीज़ को पता लगाते हैं। अब बारी आती है इसके प्रिंसिपल की कि आखिर बायो ऐसे है, इसे किस सिद्धांत पे काम करता है। तो बेसिकली इस बायो ऐसे में क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारा होता है स्टैंडर्ड और एक हमारा क्या होता है यहाँ पर टेस्ट, जिसको हमें पता लगाना होता है वो वाला। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। तो लेट करो यहाँ पर आपको ये हर्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं आपसे पूछूँ ये हर्ट का डायग्राम आपको कैसा लग रहा है, ये मैं बता दूंगा, ये हमारे एट्रियम, ये हमारा क्या हो गया एट्रियम हो गए, ये हमारे वेंट्रिकुलर्स हो गए, तो आपको लगभग कहोगे भाई ठीक लग रहा है, थोड़ा बहुत ठीक है, एवरेज है, मतलब सही बना है। लेकिन अब आपको मैं कहूँ कि भाई आप इसको कितने नंबर दोगे, तो आप किस बेस पे नंबर दोगे, ये नहीं बात है क्योंकि भाई कहाँ से बनाया। लेकिन अब मैं अगर आप इसके सामने ये रख दूँ कि यहाँ पर आपको ये ड्रग दिख रहा होगा, तो अब आप बताओ आप यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या बोलोगे, भाई ये तो बहुत बेकार बना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ कितना बढ़िया लग रहा है, यहाँ वैसा लग रहा है। तो आप इससे कंपेयर करके इसको लगभग जो है 7-8 नंबर तो दे ही दोगे, एवरेज है ना। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छा या बुरा किस बेस पर डिसाइड किया,
इस वाले डायग्राम को देखकर डिसाइड किया। तो सेम फंडा यहाँ पर होता है कि जो हमारा टेस्ट ड्रग है उसको हम पता लगाते हैं कि वो अपना अच्छा है बुरा है, उसको किसके बेस पे, स्टैंडर्ड ड्रग के बेस पे पता लगाते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा एक होता है स्टैंडर्ड ड्रग। अब मान लो स्टैंडर्ड ड्रग हमने पहले एनिमल्स में अप्लाई किया, अब उन्होंने यहाँ पर अपना इतना इफेक्ट शो किया, ऐसी लाइन में समझ लो, मान लो इतना इफेक्ट शो किया। अब बारी आती है हमारे टेस्ट ड्रग की, तो टेस्ट जब हमने अप्लाई किया तो मान लो टेस्ट वाला अपना इफेक्ट दिखाया लेकिन वो यहीं तक अपना इफेक्ट दिखा पाया एनिमल में, तो हम कहेंगे कि टेस्ट वाला हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड के मुकाबले में अपना इफेक्ट जो है कम शो कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, खराब ड्रग है, मतलब ठीक नहीं बना। अब स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड क्या होता है, तो ये हमारा जो भी हमारे इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, इंडियन फार्माकोपिया हो गया या बाकी कोई भी है, तो उनके अकॉर्डिंग ही ये हमारा बनाया जाता है ठीक ठाक तरीके से। मतलब ये हमारा एकदम परफेक्ट होता है, प्योर होता है फॉर्म में, परफेक्ट होता है और सारे टेस्टर के द्वारा गुजरा हुआ होता है कि ये हमारा परफेक्ट अपना काम शो करेगा ही करेगा। तो ये हमारा होता है स्टैंडर्ड। यहाँ टेस्ट हमने जो बनाया है अभी, जिसको हम टेस्ट करेंगे, तो उसको हम इससे कंपेयर करके पता लगाते हैं। अगर वो इस स्टैंडर्ड के बराबर भी अपना इफेक्ट शो करता है तो हम कहेंगे कि हाँ हमारा टेस्ट जो है पास हो गया, और अगर वो इसके बराबर अपना काम शो नहीं करता तो हम कहेंगे कि हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन था वो अपना काम सही से नॉक शो कर रहा, तो वो हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंपेयर करके पता लगाया कि ये हमारा टेस्ट अपना ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायो ऐसे, और इसी प्रिंसिपल पर हमारा ये काम करता है कि यहाँ हम कंपेयर करके पता लगाते हैं कि हमारा टेस्ट वाला है वो ठीक बना है कि नहीं बना है, अपना काम सही से शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये फंडा समझ आ गया होगा कि कैसे हमारा जो पूरा बायो ऐसे वो यहाँ पर शो किया जाता है, ठीक है। तो ये आप बेसिकली प्रिंसिपल समझ गए। अब हम इसके आगे कहानी समझते हैं। तो एप्लीकेशन में बात करें तो इससे हम किसी भी ड्रग की पोटेंसी को पता लगाते हैं। पोटेंसी मतलब जो मैंने आपको बता दिया कि ड्रग अपना काम कैसे कर रहे हैं, ताकत क्या है उसका, थेरेप्यूटिक यूज़ क्या है, कितने डोज पर दे रहा है, ये सारी चीज़ों को। दूसरा पॉइंट, हम यहाँ पर उसकी डोज पता लगाते हैं। डोज मतलब मान लो चलो यहाँ पर हमने इसे टेस्ट को दिया तो हमने इतना दिया ड्रग ने, मतलब एनिमल्स पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इतना दिया कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हम ड्रग की अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं और मान लो यहाँ पर जाके क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर जो ड्रग था वो अपना इफेक्ट शो करने लग गया एनिमल में, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इतनी डोज हमको चाहिए किसी भी एनिमल पे इफेक्ट शो करने के लिए इस वाले ड्रग की। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने उस ड्रग की क्वांटिटी को भी पता लगा लिया कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए उसको एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर उसके टॉक्सिक रिस्पॉन्स भी पता लगा सकते हैं। टॉक्सिक मान लो कि भाई कोई एनिमल्स हैं उस पर हम अत्यधिक मतलब एक्स्ट्रा मात्रा में हम ड्रग देते जा रहे हैं और एक टाइम आएगा एनिमल मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो ड्रग हमारी क्या हो जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगी, मतलब यहाँ पे एनिमल्स हमारे मर सकते हैं और उस डोज को हम क्या बोलेंगे, लीथल डोज बोलेंगे। तो इस तरह देखा जाए तो हम इफेक्टिव डोज और लीथल डोज दोनों ही डोज का पता लगा सकते हैं इस बायो ऐसे के द्वारा। बाकी हम पोटेंसी को तो पता लगाते ही हैं, बाकी अगर जो हम कभी नए ड्रग बनाते हैं तो उसकी डेवलपमेंट में भी इस बायो ऐसे का यूज़ होता है, क्योंकि जो नए ड्रग आएंगे उसको हम स्टैंडर्ड के साथ डेवलप करेंगे और अगर वो अपना काम सही से कर रहे हैं तो उन्हें पास करते हैं, वरना उन ड्रग को फिर से भेज दिया जाता है वापस कि कोई कमी है इसमें पूरा करके लाओ। तो इस तरह ये पूरा बेसिकली फंडा हमारा काम आता है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे टाइप्स ऑफ बायो ऐसे के बारे में। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, अब समझो कैसे, अगर क्वेश्चन आता भी है तो आपके लिए क्वेश्चन सिंपल नहीं आएगा कि टाइप्स ऑफ बायो ऐसे, आपके लिए आएगा डिफाइन बायो ऐसे एंड क्लासीफाई बायो ऐसे। तो यहाँ पर आप इतना फंडा जब लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक और इसकी जो प्रिंसिपल है वो लिखेंगे आप, फिर आप इसकी एप्लीकेशन लिखेंगे, देन आप इसके टाइप्स लिखेंगे, तो इतना आपके लिए इनफ हो जाएगा। अगर 7 मार्क्स में आता है तो आप उसको बड़े आराम से कर सकते हो, और अगर 10 मार्क्स में आता है तो आपसे किसी ना किसी एक सबस्टैंड का बायो ऐसे भी बोलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपका जो है 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर लेंथ गेन कर लेगा, ठीक है। तो कुछ भी शॉर्ट नहीं है, बस आप यहाँ समझते जाओ। तो यहाँ बेसिकली हमारे दो तरह के बायो ऐसे होते हैं, एक हमारा होता है क्वांटल बायो ऐसे और एक हमारा होता है ग्रेडेड बायो ऐसे। अब समझो कहानी पहले वाले की, तो जो क्वांटल बायो ऐसा होता है उसमें क्या होता है कि ये हमारा ऑल और नन, यानी कि दो तरह के रिस्पॉन्स शो करेगा। नहीं समझे कोई बात नहीं, पहले बात एक समझ लो कि इसमें हम एंड पॉइंट वाला सिस्टम भी समझते हैं। अब समझो ये हमारे क्वांटल बायो ऐसे होते क्या है। तो देखो नॉर्मल आपने हर घर में देखा होगा कि हमारा स्विच बोर्ड लगा होता है, ठीक है। तो अब मान लो कि ये हमारा जो बटन है, ये हमारा बटन किसके लिए है, हमारा लाइट के लिए, और यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा है हमारा किसके लिए लगा है, ये हमारा फैन के लिए लगा है, ये हमारा फैन के लिए लगा है और ये जो लाइट के लिए लगा है हमारा। तो अब समझो हमारे दो तरह के बायो ऐसे यहाँ होते हैं, एक हमारा होता है क्वांटल बायो ऐसे और एक हमारा यहाँ पर क्या होता है ग्रेडेड बायो ऐसे होता है। तो जो क्वांटल बायो ऐसे है उसको हम बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या है, ये लाइट वाले स्विच में काम करता है। अब आपका दिमाग घूम रहा होगा भाई मैं क्या कह रहा हूँ कैसे, तो सिंपल समझो कि ये हमारी लाइट का बटन है, तो अगर हम इसको ऑन कर देंगे, अगर हमने इसको ऑन कर दिया तो हमारी लाइट क्या हो जाएगी, चल जाएगी, और अगर हमने इसको ऑफ कर दिया तो हमारी क्या हो जाएगी, लाइट बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर बीच में क्या कोई आपको ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो इस लाइट को कम ज़्यादा करे,
नहीं मिल रहा ना, आपके जो घर में लाइट है या तो आप बटन चला दोगे तो चालू हो जाएगी, बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको दो ही रिस्पॉन्स दिख रहे हैं, एक आपको ऑन मिल रहा है, एक आपको ऑफ मिल रहा है। तो सेम फंडा हमारे यहाँ क्वांटल बायो ऐसे में होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा ड्रग्स है ये वाला, जब हम किसी एनिमल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो या तो वो एनिमल्स अपना रिस्पॉन्स पूरा शो करेगा या फिर बिल्कुल ही शो नहीं करेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि मान लो हमने दवा थोड़ी बहुत दी तो एनिमल ने थोड़ा रिस्पॉन्स दिखाया, थोड़ी और दी तो थोड़ा और रिस्पॉन्स दिखाया, तो इस तरह का कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं होता। यहां डायरेक्टली क्या होगा, या तो वो एनिमल अपना रिस्पांस दिखाएगा या वो बिल्कुल नहीं दिखाएगा। तो इसी को यहां पर बोलते हैं, या तो ऑल यानी कि मैक्सिमम रिस्पांस दिखा रहा है या फिर नन, या फिर कुछ भी रिस्पांस नहीं दिखा रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं यहां पर, क्वांटल बायो ऐसे बोलते हैं। और अगर आप यहां पर इसका डायग्राम देखोगे तो नॉर्मल समझो, ये हमारा इधर रिस्पांस कर्व है और ये हमारा डोज वाला कर्व है, ठीक है। तो यहां पे मान लो हम डोज देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, यहां तक दिया, कोई भी रिस्पांस हमारे उस एनिमल ने शो नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमारा यहां पर आया एकदम उसने अपना मैक्सिमम रिस्पांस शो कर दिया। तो यहां पर हमको एक वैल्यू मिल गई कि इस वाली डोज पर ही हमारा जो ये हमारा ड्रग होगा वो अपना रिस्पांस शो करेगा, और इससे पहले तक वो कोई भी रिस्पांस शो नहीं करेगा, माइनर सा भी रिस्पांस शो नहीं करेगा, वो क्या होगा, नन होगा और नो होगा। तो इस तरह का हमारा होता है क्वांटल बायो से, यानी कि यहां पर या तो वो डायरेक्टली ऑल करेगा, मैक्सिमम रिस्पांस शो करेगा, या फिर बिल्कुल रिस्पांस शो नहीं करेगा। तो ये हमारा होता है क्वांटल बायो ऐसे वाला। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे हमारा डिजिटेलिस हो गया, इसको मैं आगे करके भी दिखाऊंगा, और हमारा होगा डी ट्यूबो क्यूरेलिन हो गया। तो इन दोनों को आगे मैं करके दिखाऊंगा, तब आप समझ लेना। और सेकंड हमारा इसमें आता है ग्रेडेड बायो ऐसे। तो देखो नाम से समझ आ रहा है क्या वाला, यहां पर बात हो रही है ग्रेडेड की। तो ग्रेडेड में क्या फंडा होता है कि यहां पर हमारी कोई चीज भर्ती है, जैसे मान लो कोई बहुत बढ़िया कर रहा है तो उसके लिए ओ हो गया, आउटस्टैंडिंग, कोई कम अच्छा कर रहा है उसके लिए ए हो गया, ए ग्रेड, फिर कम कर बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। यानी कि यहां पर हर एक रिस्पांस के लिए कोई ना कोई चीज हमारी प्रेजेंट होती है। जैसे मार्कशीट में आप ले लो तो उसी तरह यहां पर मान लो ये हमारा क्या है, फैन का है, तो ये रेगुलेटर है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है, हमें कम धीरे पंगा चाहिए, हमने एक पॉइंट पे कर दिया, और तेज चाहिए दो पॉइंट पे कर दिया, और तेज चाहिए तीन कर दिया, चार कर दिया, मैक्सिमम रिस्पांस पे पांच कर दिया। तो यहां पर हमारे पास क्या है, वेरिएशन है कि यहां पर जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं हमारा फैन की जो चलता जा रहा है, रेगुलेटर आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी फैन की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे हमारे पास ग्रेडेड में होता है, सेम फंडा यहां पर हमारा आता है ग्रेडेड बायो ऐसे में। यहां क्या होगा कि जैसे मान लो यहां कर्व के सारे में आपको दिखाता हूं, जैसे मान लो ये हमारा डोज हो गया यहां पर, यानी कि यहां पर हम डोज देते जा रहे हैं, आगे बढ़ती जा रही है, ये हमारा रिस्पॉन्स है, यानी कि ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो मान लो पहले हमने यहां ड्रग दिया थोड़ा सा कम था, हमारा छोटा रिस्पॉन्स आया, फिर हमने और ड्रग दिया आगे बढ़ाते जाए, थोड़ा और रिस्पॉन्स आया, और ड्रग दिया थोड़ा और रिस्पॉन्स आया, और दिया थोड़ा और रिस्पॉन्स आया। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, ड्रग हम डोज बढ़ाते जा रहे हैं अपने ड्रग की और रिस्पॉन्स हमारा बढ़ता जा रहा है। देखो यहां पे पहले यहां तक दिया, फिर यहां तक दिया, फिर यहां तक दिया, और हमारा कहां तक दिया, इसने इस वाले पॉइंट तक दिया। तो इस तरह हमारे यहां पर क्या हुआ, डोज हमारा बढ़ता गया, रिस्पांस हमारा बढ़ता गया। तो कांस्टेंट मतलब हमारा बढ़ता जा रहा है, जैसे डोज देते जा रहे हैं वैसे रिस्पांस बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर एक कंडीशन आती है, मान लो यहां तक जैसे हमने डोज दिया इतना रिस्पांस आया, तो अब इसके बाद हमारा रिस्पांस बढ़ना बंद हो जाता, मतलब और हम डोज देंगे हमारा इतना ही रहेगा, और डोज देंगे इतना रहेगा। तो ये जो हमारा इफेक्ट होता है इसको हम सीलिंग इफेक्ट बोलते हैं, और यहीं तक हमको जो है चेक करना होता है अपना डोज रिस्पांस कर्व वाला। तो यहां तक ही हमारा ये रिस्पांस बढ़ेगा और यहीं पर आके हम इसको स्टॉप कर देंगे, यानी कि हमें डोज यहां पर मिल जाएगा कि मैक्सिमम हमारे इस ड्रग से इतना मिलेगा और इसके लिए हमें ड्रग कितना चाहिए, इतना चाहिए। तो यहां आपको ड्रग का अमाउंट मिल जाएगा और यहां आपको रिस्पांस मिल जाएगा, कितना हमें रिस्पांस मिला। तो इस ग्रेडेड में आपने क्या समझा, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते जा रहे हैं हमारा रिस्पांस था वो हमारा बढ़ता जा रहा है। तो ये पूरा फंडा हमारा क्या कहलाता है, ग्रेडेड बायो ऐसे कहलाता है। यानी कि यहां पर एक फिक्स पैटर्न नहीं है, जैसे जैसे देखो यहां मैंने इसमें लिख भी रखा है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, यहां पर अपना इंक्रीज करेंगे, मतलब अपने ड्रग को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे डोज के ड्रग को, हमारा जो रिस्पांस है वो भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा पूरा फंडा होता है यहां पर ग्रेडेड वाला, और ये पहले वाला होता है क्वांटल। आई होप आप लोग ये पूरा फंडा जो है यहां पर समझ गए होंगे। बाकी इनके कुछ फॉर्मूले कुछ बातें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आप इसको समझ सकते हो। एक मेथड आप समझ लो, यहाँ पर एक एंड पॉइंट वाला जो मेथड होता है वही हमारा किसमें होता है, इस क्वांटल बायो ऐसे के अंदर आता है। तो इसमें बेसिकली करना क्या होता है, देखो यहाँ पर या तो रिस्पॉन्स देंगे या नहीं देंगे, तो यही हमको पता लगाना होता है। तो मान लो कोई हमारा एनिमल हमने लिए और उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले वन पार्ट ले लिया, फिर हमने दो पार्ट ले लिया। जो पहला ग्रुप होगा उसमें हम स्टैंडर्ड ड्रग अपना अप्लाई करते हैं, जो दूसरा ग्रुप होगा उसमें हम क्या करते हैं अपना टेस्ट सॉल्यूशन वाला जो हमारा ड्रग है वो हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों को हम ड्रग दे रहे हैं तो उसको एक थ्री सोल्ड डोज तक देंगे। थ्री सोल्ड डोज बोले तो ऐसी जगह जहां पर क्या होगा, हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स होगा। यानी कि मान लो यहां पर हम ड्रग देते जा रहे थे, यहां तक कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहां से क्या होगा, हमारा पॉजिटिव इफेक्ट एकदम सो हो गया। तो इस वाले डोज को हम बोलेंगे यहां पर थ्री सोल्ड डोज। तो यही थ्री सोल्ड डोज को हम यहां पर दोनों ही चीज में देते हैं, उसके बाद हम अपना यहां पर इफेक्ट देखते हैं। उसके बाद इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि जितने ड्रग में हमारे स्टैंडर्ड ने अपना शो किया काम, उतने में हमारे टेस्ट ने अपना काम शो किया या नहीं।
नहीं किया। तो ये बेसिकली हमारा इस तरह कंपेयर करके हम चलेंगे। बाकी इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, कंसेंट्रेशन ऑफ अननोन, यानी कि जो हमारा टेस्ट है उसको हम कितना हमें लगा उस चीज़ को निकालेंगे। कैसे? थ्रीसोल्ड डोज ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड की हमें कितनी डोज लगी ये वाली, और थ्रीसोल्ड डोज ऑफ टेस्ट, यानी कि हमें टेस्ट की कितनी डोज लगी, और यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि टोटल हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने कितना लिया था, कितने अमाउंट में लिया था। तो इसमें हम पुट करेंगे और हमारी वैल्यू फाइनलाइज हो जाएगी। तो ये बेसिकली फंडा इस तरह हम निकालते हैं, और ये हमारा किस में था? क्वांटल में था, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ग्रेडेड में, अब बात करते हैं ग्रेडेड की, तो डेफिनेशन आप समझ गए थे। ग्रेडेड में भी हमारे कुछ फर्दर सब टाइप्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पर हो गया मैचिंग, हो गया ब्रैकेटिंग, हो गया इंटरपोलेशन, हो गया मल्टीपल पॉइंट बायो ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारे बहुत सारे तरीके आते हैं, तो यहाँ पर मैंने इनको डिफाइन नहीं किया। बेसिकली हमारा देखा था शॉर्ट में आता है तो आपके लिए इतना इनफ है, और अगर लॉन्ग में सिर्फ टाइप्स आते हैं तो आपको ये भी डिफाइन करने पड़ेंगे। तो आप इनको पढ़ लेना, देख लेना कहाँ भी आपको मिले। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, मैचिंग में क्या होगा, हमने भाई अपना एक तरफ हम अपना स्टैंडर्ड देते जा रहे हैं, एक तरफ हम अपना टेस्ट वाला देते जा रहे हैं, और दोनों को हम मैच करके देख रहे हैं कि हमारा टेस्ट है वो स्टैंडर्ड से कैसा काम कर रहा है, सिंपल सा है। ब्रैकेटिंग में क्या होता है, हम छोटा छोटा मतलब मिक्स करके देते हैं, बीच बीच में हम स्टैंडर्ड भी देंगे, बीच बीच में हम टेस्ट भी देंगे, और उनमें हमारे में हो सका तो शायद मैं डायग्राम वगैरह आपको कहीं अटैच कर दूंगा या नोट्स वगैरह में, तो आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते। आप इसको देख लेना, ये इतना ज़्यादा हमारा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। कई किस्मत खराब होती है तो आ जाता है एग्जाम में, वैसे हमारा इतने ज़्यादा नहीं आता। तो मेनली अब हमारी आती है बात ही कहानी बायो एसे की। तो यहां हमारा पहला आता है बायो एसे ऑफ इंसुलिन, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पहला ही ड्रग हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हमारा ऑक्सीटोसिन वाला इंपॉर्टेंट है, देन हमारा डीटीबुक्यूरेन और डिजिटेलिस वगैरह इनके आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें, जब देखो आपको समझना है कि बायो एसे आपको लिखना कैसे है, तो जब भी बायो एसे आता है आपको पहले क्या करना है, बायो एसे की डेफिनेशन लिख देना। अब मैं पहले यहाँ लिख चुका था तो मैंने यहाँ नहीं लिखी, आप बायो एसे को लिख देना, डिफाइन कर देना क्या होता है कैसे, अगर अकेला ये आता है तो। देन यहाँ पर हमारा किसका पूछा है, इंसुलिन का, तो आप इंसुलिन को क्या कर देना, डिफाइन कर देना। तो इंसुलिन हमारा वो हार्मोन्स होता है जो हमारा पैनक्रियाटिक बीटा सेल से निकलता है, बाकी ये हमारा जब बनता है तो पहले ये प्रो इंसुलिन में बनता है, देन ये इंसुलिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये बता देना डिफाइन, और बाकी इसका एक फंक्शन बता देना कि आखिर ये काम क्या कर रहा है। तो ये जो हमारा इंसुलिन होता है ये मोस्टली क्या करता है, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कम करने का काम करता है, यानी कि कंट्रोल करने का काम करता है। तो देखा जाए तो हमारे ग्लूकोज को ठीक करने का काम कर रहा है, यानी कि जब ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और एक तरह से बोला जाए तो हमारा ये किसकी तरह काम कर रहा है, हमारा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम कर रहा है, यानी कि हमारे ग्लूकोज जो बढ़ गया है हमारे बॉडी में उसके लेवल को कम करेगा। तो ये बेसिकली इसका फंडा होता है। मैं यहाँ कुछ और बता दूँ, जैसे मान लो ब्लड शुगर लेवल ये है तो ये हमारा दो तरह से काम करता है। पहला क्या करेगा, ब्लड में शुगर बढ़ गया तो उसको अपटेक करा देगा हमारे सेल्स के द्वारा, सेल उसका यूज़ कर लेंगे और अपने में क्या बनाएंगे, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल वगैरह से एटीपी वगैरह जनरेट करेंगे। दूसरा, अगर ज़्यादा ही मात्रा में हमारा शुगर हो गया तो शुगर में हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो ग्लूकोज के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज को ग्लूकागोन में कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको लीवर में स्टोर कर देते हैं, जो हमारे बुरे वक्त में काम आता है, यानी कि जब हमारी बॉडी को खाना नहीं मिलता तो उस टाइम यही जो ग्लाइकोजन है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है फिर से ग्लूकोज में और हमको मिल जाता है। तो इस तरह ये बेसिकली फंडा हमारे यहाँ पर होता है पूरा इंसुलिन वाला, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब आपको ये मैंने प्रिंसिपल वगैरह बता दिया, प्रिंसिपल आपको बेसिकली लिख देना है जो हमारा इसका होता है मेनली वगैरह, ठीक है। अब आपके सामने आता है कि यहां पर हमारे पास दो मेथड आते हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस इंसुलिन के बायो एसे को परफॉर्म कर सकते हैं। पहला हमारा आता है रैबिट मेथड, दूसरा हमारा आता है माइस मेथड। तो रैबिट में हम खरगोश को लेते हैं, माइस में हम चूहे को लेते हैं यहां पर, और इन दोनों का यूज करके हम इसके इंसुलिन के इफेक्ट को पता लगाते हैं। अब बहुत लोग यहाँ प्रिंसिपल नहीं लिख पाएंगे तो सुन लो, आप इसको लिख लेना चाहे अभी, नोट डाउन कर लो। प्रिंसिपल में यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन, यानी कि हमने टेस्ट सॉल्यूशन का जो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होगा वो हम इन जो हमारे एनिमल्स हैं इनके ऊपर इफेक्ट को चेक करेंगे। देन वी कंपेयर दिस इफेक्ट विद द स्टैंडर्ड इफेक्ट, यानी कि जब हम स्टैंडर्ड अपने जो ड्रग्स होंगे उनको यहाँ अप्लाई करेंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, इनके साथ कंपेयर करेंगे। तो सिंपल, हमने पहले स्टैंडर्ड अप्लाई किया, हमने यहाँ टेस्ट वाला अप्लाई किया, फिर टेस्ट वाले का जो इफेक्ट है उसको हम स्टैंडर्ड वाले के साथ कंपेयर करेंगे, और इसके बाद बस हो गया हमारा बायो एसे, यही तो है। तो बस इतना हमको यहाँ पर काम करना होता है। तो अब हमें बारी आती है सैंपल बनाने के लिए, यानी कि हमको क्या चाहिए भाई, सैंपल चाहिए इंसुलिन का, तो उसको हम बनाते हैं। तो ये हमारा पहले हम लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो ये हमारा एक प्योर होता है ड्राई फॉर्म में, और ये हमारा क्रिस्टलाइन इंसुलिन की तरह होता है थोड़े बहुत उस फॉर्म में, बाकी ये हमारा यूनिट के फॉर्म में लिया जाता है। तो एक यूनिट में लगभग हमारा कितना होता है, 0.04082 mg, यानी कि ये हमारी टोटल अमाउंट प्रेजेंट होती है, बहुत ही कम हो गया। देखा जाए तो mg है उसमें भी 0.0 है, तो बहुत कम मात्रा में हो गया। और ये जो पूरा हमारा एक यूनिट में इतना mg होता है, ये हमारा गवर्नमेंट द्वारा क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। तो सैंपल का प्रिपरेशन हो गया यहाँ पर। अब समझते हैं हम कैसे हम सैंपल को अपने तैयार करेंगे। तो उसके लिए क्या लेना है, आपको समझाने के लिए इधर लिख दिया, हम 20 यूनिट अपने इंसुलिन को लेते हैं। अब 20 यूनिट इंसुलिन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बताइए,
आपको क्या चाहिए, यहाँ पर एक यूनिट में हमारा इतना एमजी होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या लिया, अपनी 20 यूनिट इंसुलिन के लिए और उनको हमने अपने नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन में यहाँ पर ऐड कर लिया, जो एनएसएन वाला हमारा सॉल्यूशन होता है वहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। फिर हमने बहुत ही लिटिल मात्रा में यहाँ पर क्या डाला, एससीएल। क्यों डाला, जिससे हमारा पीएच क्या रहा है, थोड़ा सा एसिडिक रहे, यानी कि 2.5 पीएच तक हमको इसको सेट करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा डालते हैं 0.5% फिनॉल डालते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन किसके लिए, एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह, यानी कि हमारा वो इंसुलिन है वो हमारा खराब ना हो। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा क्या डालते हैं, ग्लिसरीन डालते हैं 1.4 से 1.8 तक यहाँ पर डालते हैं। और उसके बाद जो भी हमारे ये पूरा बन जाता है, इसमें हम क्या करते हैं अपने 20 यूनिट पर ml, यानी कि जो हमारा ये सॉल्यूशन था, तो जो नॉर्मल सेलाइन था, इसको हम ओवरऑल फाइनल में क्या कर देते हैं, 1 ml पूरा प्रिपेयर कर देते हैं। यानी कि जो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, कि हमारा 20 यूनिट जो हमारा इंसुलिन है वो हमारा 1 ml के अंदर प्रिपेयर किया जाएगा। और अगर इसको वैसे लैंग्वेज में लेंगे तो 0.8 mg/ml। तो ये हमारा पूरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर किया जाता है हमारे इंसुलिन के लिए। अब ये जो हमारा पूरा इंसुलिन बना है, ये हमारा लगभग 6 महीने तक हमारे काम आएगा। तो इसको स्टोर करके कोई कूल जगह पे रख लो, जिससे हमारा लगभग 6 महीने तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट वाला भी हमारा स्टैंडर्ड की तरह जो है प्रिपेयर किया जाता है, सेम इसी की तरह। जो हमारे ये फंडे थे, 20 यूनिट हम इंसुलिन लेंगे, उसको हम नॉर्मल सेलाइन में मिलाएंगे, फिर उसमें एससीएल डालेंगे, फिनॉल डालेंगे, ग्लिसरीन डालेंगे, और फाइनल वॉल्यूम हम कर देंगे लास्ट में 1 ml जितना, और 1 ml में हमारा कितना होगा, 20 यूनिट हमारा इंसुलिन रहेगा। तो इस तरह हम इस टेस्ट वाले को भी प्रिपेयर करते हैं। बट यहाँ पर हमने अपना जो 20 यूनिट इंसुलिन लिया था, ये हमने टेस्ट स्टैंडर्ड का लिया था। अब जो हम टेस्ट वाले में प्रिपेयर करेंगे, वहाँ पर हम जो ये 20 यूनिट लेंगे, ये हम किसका लेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन का लेंगे। बस इतना इफेक्ट शो करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब इसमें हमारे दो मेथड आते हैं। तो पहला हमारा जो रैबिट मेथड है, उसको हम यहाँ समझते हैं। तो रैबिट मेथड में सबसे पहले हमको क्या करना है, रैबिट को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन ऑफ रैबिट में हम क्या करेंगे, हम कुछ हेल्दी रैबिट्स को सिलेक्ट करेंगे, जिनका वजन लगभग 2 से 3 kg तक होगा आराम से, और जो भी हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला होंगे वो हम CPCSEA के तहत करेंगे। तो ये हमारी एक ऐसी संस्था होती है जो हमारे देखती है कि कहीं एनिमल्स के ऊपर कोई अत्याचार वगैरह तो नहीं हो रहा, कोई ना परेशान तो नहीं कर रहा वो। तो इसके ऊपर कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग कमेंट्स में इसके बारे में लिखो, पहले इसकी डेफिनेशन वो फुल फॉर्म लिखो, देन बताओ इसके बारे में 2 लाइन, ठीक है। आप अभी यहाँ पे लिखो कमेंट्स में, क्योंकि क्वेश्चन में 2 नंबर में आ सकता है। तो ये हमारा पूरा फंडा यहाँ पर एनिमल्स हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि हम एनिमल्स को पहले तो हम डाइट यूनिफॉर्म देंगे, जो उनका मतलब रेगुलर उनको हेल्दी रखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हम टेस्ट करने वाले हैं, तो उससे 18 घंटे पहले तक हम उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देते। तो उनको हम फास्टिंग कंडीशन में लेके आते हैं। तो यहाँ फास्टिंग कंडीशन करेंगे हम 18 घंटे के लिए, उन्हें हम कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देंगे। तो अब हमारी बात आती है यहाँ पर स्टैंडर्ड एंड सैंपल डाइल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। तो जो हमारा ये पूरा का पूरा तैयार हुआ था, 20 यूनिट पर ml हमारी स्टैंडर्ड की हुई थी और 20 यूनिट पर ml ही हमारी टेस्ट के लिए हमने प्रिपेयर की थी। तो ये दोनों ही चीजें हमारी प्रिपेयर हैं। अब इनमें से हम सैंपल कैसे तैयार करते हैं, तो ये सुनो। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा ये पूरा सैंपल है स्टैंडर्ड वाला, उस स्टैंडर्ड से हम एक यूनिट निकालेंगे, इसमें से जो हमारी निकली, और उस एक यूनिट को हम निकाल के और फर्दर हम इसको NaCl, जो हमारा नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन है, उसमें 1 ml में हम इसको मिला देंगे। तो देखा जाए तो बहुत ही कम मात्रा हमने यहां इंसुलिन की ली है, जिससे हमारे वो जानवर वगैरह को ज्यादा नुकसान ना हो। तो एक हमने ये अपना स्टैंडर्ड 1 बनाया, और दूसरे स्टैंडर्ड में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 यूनिट ली 1 ml में। तो यहाँ पर हमारी जो डोज थी वो हमारी थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2, 2 सॉल्यूशन हमने तैयार किए। लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं, आप ध्यान से सुनो। एक हमने बनाया 1 unit/ml वाला, एक हमने बनाया 2 unit/ml। तो 2 हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया, कौन सा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसको हम नाम देंगे स्टैंडर्ड 1, इसको नाम देंगे हम स्टैंडर्ड 2 देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर जो हमारे टेस्ट सॉल्यूशन होंगे उनको भी सेम हम इसी तरह से तैयार करेंगे। मतलब यहाँ क्या करेंगे कि हम टेस्ट वाले जो हमारे ये होगा 20 ml/unit वाला, इसमें से हम 1 ml/1 unit निकालेंगे और उसको 1 ml NaCl सॉल्यूशन में मिला देंगे। तो वो हमारा बन जाएगा टेस्ट 1। और दूसरे टेस्ट 2 में क्या करेंगे, 2 यूनिट हम यहाँ से निकालेंगे टेस्ट वाले में से और उसको 1 ml नॉर्मल सेलाइन में मिला देंगे। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, 2 unit/ml वाला सॉल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मतलब ही होता है कि उसको हम क्या कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं। तो एक तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इनको पतला कर दिया। कैसे, हमारा जो ये पहले से भी पतला था 20 unit/1 ml में मिला हुआ था, उसमें से भी हमने 1-1, 2-2 यूनिट निकाले हैं और उनको फर्दर क्या कर दिया, हमने बाकी 1-1 ml में फिर से मिला दिया। तो इस तरह हमारे यहाँ पर सैंपल डाइल्यूट हमारे पूरे तैयार हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल आएगा, जो मैंने वहाँ बोला था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पोटेंसी ऑफ अ टेस्ट सैंपल इज एस्टिमेटेड बाई कंपेयरिंग द हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ऑफ सैंपल विद दैट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। यानी कि जो टेस्ट सैंपल है हमारा, उसका जो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होगा, उसको हम स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और अपनी पोटेंसी को पता लगाएंगे। तो प्रिंसिपल पता चल गया, हमने
हमने अपने एनिमल जानवरों को तैयार कर लिया, सैंपल अपने तैयार कर लिया, अब बारी आती है हमारी प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर करते कैसे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हम जो है अपने 12 रैबिट्स को चुनते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, आप वो देख लेना। तो लगभग हमने क्या किया, अपने 12 रैबिट्स को चुना और उन 12 रैबिट को हमने चार ग्रुप में डाल दिया। तो चार ग्रुप में डाला तो लगभग हर ग्रुप में हमारे क्या हुए, 3 रैबिट आ गए। तो मैं यहाँ इस तरह दिखा देता हूँ, समझ लो ग्रुप है 1 2 3 4, चार ग्रुप हो गए, चारों में 3 3 रैबिट पहुँच गए। तो लगभग हमारे क्या हो गए, 12 रैबिट यहाँ पर पूरे तैयार हो गए। अब उन 12 रैबिट को क्या करेंगे, हम एनिमल होल्डर में लेके जाएंगे। तो ये हम जब लैब वगैरह में आप गएंगे वहाँ देखा होगा, यहाँ पर हम एनिमल्स के ऊपर जो है काम वगैरह करते हैं। तो वो हमारा बेसिकली एक होल्डर वगैरह होता है जिसमें हम उनको फंसा कर क्या करते हैं, काम वगैरह करते हैं। तो एनिमल होल्डर में वहाँ हम लेके जाएंगे और वहाँ पर उनको अच्छे से केयर के साथ उनको पकड़ना है। ऐसा नहीं आप ज़्यादा दबा दोगे, अच्छे से कोमल होते हैं, मर वगैरह जाएंगे, तो इसलिए बड़े आराम से आपको ये करना है, ठीक है। तो ये आपने सारा फंडा कर लिया। अब जो हमारे ये पूरा टेस्ट होगा ये दो पार्ट में परफॉर्म होता है, पहला हमारा होता है फर्स्ट पार्ट, सेकंड हमारा होता है सेकंड पार्ट। तो दो पार्ट में हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखो हमने 18 घंटे अपने एनिमल्स को रखा था, उसमें अच्छे से देखकर चुना था। अब जो हमारे यहाँ पर मान लीजिए चूहा वगैरह जो आया, तो इसके यहाँ पर ईयर होता है ना, वहाँ पर एक मार्जिनल ईयर वेन प्रेजेंट होती है। तो उससे हम क्या करेंगे, उस एनिमल जो हमारे चूहे जो है रैबिट है सॉरी, तो रैबिट का हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ब्लड निकालेंगे। तो रैबिट का हम यहाँ पर ब्लड निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, उसके हम ग्लूकोज लेवल को पहले चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कोई भी ड्रग नहीं दिया, पहले हमने क्या किया, पहले हमने उस रैबिट का ब्लड लेके उसको चेक किया और हमने उसकी इनिशियल, इसको हम बोलते हैं इनिशियल ब्लड शुगर लेवल, उसको चेक किया। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर हमें उसका ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल कम करना है तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कितना है। तो सेम हमने क्या किया, पहले हमने उसका इनिशियल ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल को पता किया, और जब हमको ये पता लग गया उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसमें करेंगे अपने ड्रग को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारे चार ग्रुप हैं और चारों में कुछ हम इस तरह अप्लाई करेंगे। पहले हमने दिया स्टैंडर्ड वन, और स्टैंडर्ड वन जो हमारा था वो हमारा कितना था, 1 यूनिट पर ml। जो स्टैंडर्ड टू दिया ये हमारा कितना था, 2 यूनिट पर ml। फिर हमने टेस्ट बन दिया ये हमारा कितना था, 1 यूनिट पर ml, लेकिन ये हमारा कौन सा था, टेस्ट वाला सॉल्यूशन। इसमें हमने दिया 2 यूनिट पर ml, लेकिन ये कौन सा था, टेस्ट वाला सॉल्यूशन था। तो इस तरह हमने अपने चारों ग्रुप के जो हमारे रैबिट थे उन सबको हमने अपना जो ड्रग था वो हमने यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया, किसके थ्रू, मार्जिनल वेन के थ्रू, ठीक है। जब ये सारा फंडा हो जाता है उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि अब जो हमारे जितने भी रैबिट्स हैं उनका लगातार 5 घंटे तक हर 1 घंटे में क्या निकालना है, हमें ब्लड निकालना है। जैसे इंसुलिन हमने दिया, उसका 1 घंटे बाद हमने क्या किया, उस रैबिट का जो ब्लड था वो हमने निकाला और उसके ब्लड शुगर लेवल की क्या की, जांच की। फिर अगले 1 घंटे में फिर से हमने ये फंडा किया। तो इस तरह हम क्या करेंगे, हर एक रैबिट का ब्लड निकालेंगे। तो ये एक थोड़ी बड़ी प्रोसेस हो गई, यहाँ पर एक बंदा तो कोई कर नहीं पाएगा, तो यहाँ पूरी टीम होती है जो इन सबको अप्लाई करेंगे। तो हर एक रैबिट का हर 1 घंटे बाद क्या करना है, हमको निकालना है और निकाल के उनके जो ब्लड शुगर लेवल है उसको हम डिटरमाइन करेंगे और जिसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल ब्लड शुगर लेवल। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हम करते क्या, यहाँ पर जो हमारा टेस्ट वाला था, देखो हमने दोनों तरह के दिए थे, यहाँ स्टैंडर्ड दिए थे, यहाँ टेस्ट दिए थे। तो इन स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड वन है उसका हम टेस्ट वन के साथ कंपेयर करेंगे और जो स्टैंडर्ड टू है इसका हम टेस्ट टू के साथ कंपेयर करेंगे। और इसके बाद इन दोनों की मीन वैल्यू निकाल के हम फाइंड आउट करते हैं। मतलब मान लो इन दोनों का हमने मीन निकाल लिया, इन दोनों के मीन निकाल लिया, मीन मतलब कितना इफेक्ट किया कितने ड्रग ने, वो दोनों निकाल के फिर हम इस टेस्ट वाले स्टैंडर्ड वाले को इस टेस्ट वाले के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके पता लगा दे कि हमारे टेस्ट वाले ने कितना अपना इफेक्ट शो किया। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट में बेसिकली पूरा फंडा हो जाता है। अब बारी आती है हमारी सेकंड पार्ट में। तो अब ये टेस्ट करते हैं हम 1 हफ्ते बाद, मतलब हम ये भी देखते हैं कि अब हमारे जानवर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो 1 हफ्ते बाद हम सेम एनिमल्स को जो हमने पहले अप्लाई किया उन सबको लेके आएंगे, उनके सारी कंडीशन सेम करेंगे, 18 घंटे के लिए भूखा छोड़ देंगे और उसके बाद हम उनका इनिशियल ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा फंडा कि हम उनके ग्रुप को चेंज कर देते हैं, यानी कि पहले जो फंडे थे वो सारे किए, उसके बाद जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे, उनके ग्रुप को चेंज कर देते हैं। तो समझो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने क्या दिया था, 1 2 3 4। तो पहले ग्रुप में हमने स्टैंडर्ड 1 दिया था, दूसरे में स्टैंडर्ड 2, तीसरे में टेस्ट 1 और चौथे में टेस्ट 2। तो यहाँ पर उल्टा कर दिया, यहाँ पर उल्टा करेंगे और साथ में ये भी कर देंगे कि जिसमें हमने पहले डोज कम दी थी उसको इस बार डोज ज़्यादा देंगे। तो आपको पता होगा इसमें हमारी बेसिकली 1 यूनिट वाला था और जो स्टैंडर्ड 2 था इसमें हमारा 2 यूनिट वाला था, यही फंडा था। तो यहाँ पर हमने और टेस्ट वाले में भी 1 यूनिट, टेस्ट वाले में 2। तो यहाँ पर अगर आप पलट के देखोगे तो स्टैंडर्ड 1 में पहले हमने स्टैंडर्ड 1 दिया, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, अपना टेस्ट वाला दे रहे हैं, और टेस्ट 2 में हमारी 2 थी। तो पहले जिसको 1 यूनिट दी थी उसको हम यहाँ पर क्या देंगे, 2 यूनिट देंगे। तो यहाँ पर 2 चेंज किए गए, एक तो उनके ग्रुप पलट दिए, और ग्रुप पलटने के लिए आपको ऐसे याद नहीं हो तो सिंपल करो, यहाँ से आप उल्टा यहाँ लिखना शुरू कर दो, ग्रुप हमारे सेम उतारो, यहाँ से देखो टेस्ट 2 इधर, टेस्ट 1 इधर,
स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड वन, यानी कि बिल्कुल इनको उल्टा यहाँ पे लिखते चले जाओ, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम आप ऐसे पलट दो, आपका पूरा फंडा हो जाएगा। और इससे क्या होगा, ग्रुप भी हमारे पलट जाएंगे और जो हमारी डोज थी वो भी हमारी पलट जाएगी। जिसको पहले डोज मतलब एक यूनिट मिली थी उस वाले ग्रुप को इस बार क्या मिलेगी, दो यूनिट डोज मिलेगी हमारी इंसुलिन की। तो इस तरह हमने क्या किया, यहाँ पर उल्टा कर दिया, जिससे क्या हुआ उसका डोज भी बढ़ गया और बाकी सारी चीज़ें भी बढ़ गई। तो ये बेसिकली हमारा पूरा फंडा इसमें होता है। अब हमको सेम जो फंडा हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि हम सबकी शुगर लेवल को चेक करेंगे, हर एक घंटे बाद हम उसका ब्लड चेक करेंगे, उसमें चेक करेंगे, ये सारा फंडा हम करते हैं जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। और उसके बाद इसका भी हम क्या निकालेंगे, मीन परसेंटेज निकालेंगे कि हमारी ब्लड शुगर कितनी ज़्यादा कम हुई है, और उसको हम क्या करेंगे अपने टेस्ट के साथ, टेस्ट और स्टैंडर्ड को आपस में कंपेयर करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना हमारा इफेक्ट टेस्ट ने दिया। तो ये बेसिकली फंडा हमारा पूरा का पूरा रैबिट का था। आई होप आप लोगों को सारी कहानी समझ आ गई होगी, नहीं आई है फटाफट कमेंट्स में लिख दो, जो भी डाउट्स होगा मैं आपको तुरंत वहां पर कमेंट्स में रिप्लाई करूंगा। सेकंड हमारा आता है यहां पर माउस मेथड। तो माउस जो मेथड है इसमें हम डायरेक्टली क्या देखते हैं, कन्वल्सन इफेक्ट शो करते हैं। मतलब कन्वल्सन का एक तरह से क्या है कि यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि रिस्पांस हमारा बढ़ रहा है कम आ रहा है, एक तरह से हमारा एंड पॉइंट की तरह काम करेगा कि या तो वो जो माउस होगा वो हमारा डायरेक्टली बेहोश ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसमें काम करते हैं, या फिर हो सकता है बेहोश की जगह अगर ज़्यादा मात्रा में उसको मिल जाए तो वो मर भी सकता है। तो इस तरह हम जो अपने माउस मेथड, या हम इसको माइस बोल सकते हैं सॉरी, तो माइस मेथड में हम इसको जो है यहाँ पर अप्लाई करते हैं चेक। तो आप समझो कैसे क्या करना है, तो यहाँ बेसिकली टेस्ट और वो लिखा है। तो यहाँ पर टेस्ट में क्या करते हैं कि हम अपने कन्वल्सन इफेक्ट को चेक करते हैं। कैसे करेंगे हम, सब क्यूटनेस, ये मैं बताना भूल गया, रैबिट जो होते हैं वहाँ भी हम सब क्यूटनेसली क्या देते हैं, उसको इंजेक्शन देते हैं, जो इंसुलिन का देंगे वो सब क्यूटनेसली देते हैं। सब क्यूटनेस आपको बताए, थोड़ी सी खाल उठा के और उसमें अंदर डाल दो, सब क्यूटनेस वाले पार्ट में देखते हैं हम अपने। तो इस तरह हम इंसुलिन को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो जो हमारा माइस मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, हम कन्वल्सन इफेक्ट को चेक करते हैं, टेम्परेचर वगैरह थोड़ा इंक्रीज करके। और यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा कन्वल्सन का परसेंटेज आएगा जो हमारे टेस्ट में आएगा उसको हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके पता लगा लेते हैं। प्रोसीजर समझ लो कैसे क्या, तो यहाँ पर लगभग हम जो है 100 चूहे अपने लेते हैं, और 100 चूहे को लेंगे वो लगभग हमारे 18 से 22 या 25 ग्राम तक हमारे होने चाहिए, यानी कि अच्छे खासे हेल्दी होने चाहिए, और सारे लगभग हमारे सेम ही स्ट्रेन के, यानी कि एक लगभग मतलब सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं है बैरी नहीं करने चाहिए, वरना ड्रग्स का इफेक्ट हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो ऑलमोस्ट सारे हमारे सेम होने चाहिए, ठीक है, ये सारा सेम हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं कि उन पर हम जैसे ही अप्लाई, उनको मतलब 18 घंटे क्या होने चाहिए, वो भूखे रहने चाहिए और उनकी डाइट एकदम फिक्स होनी चाहिए। उसके बाद जब टेस्ट करें तो उससे पहले 18 घंटे तक वो भूखे होने चाहिए। तो ये बेसिकली इसका क्या हो गया, सैंपल वो तैयार हो गए। अब सैंपल प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो हमने जो टेस्ट और वो स्टैंडर्ड प्रिपेयर किए वो वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ डाइल्यूट कैसे करेंगे, यहाँ पर हम 0.064 यूनिट लेते हैं 1 ml की स्टैंडर्ड वन, और 0.096 यूनिट लेते हैं 1 ml में स्टैंडर्ड सेकंड। और सेम ही हम टेस्ट का लेंगे, टेस्ट वन में हम 0.064 लेंगे और टेस्ट टू में हम 0.096 लेंगे। तो सेम फंडा हमारा बनाने का है, बस यहाँ डाइल्यूशन हमने थोड़ी सी अलग की है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फंडा हो गया। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, अपने इस तरह से बांटते हैं ग्रुप 1, 2, 3, 4, वन में स्टैंडर्ड वन, सेकंड में स्टैंडर्ड टू, टेस्ट वन, टेस्ट टू, इस तरह करेंगे। उसके बाद जब हम इसमें क्या करेंगे, सब क्यूटनेसली क्या देंगे, इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे इंसुलिन को, और जब इंजेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम उसको एक काम और करते हैं कि उसको एयर इनक्यूबेटर में लग देते हैं 33 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद उसको आधा या एक घंटे बाद हम उनको निकाल के और चेक करते हैं, या तो वो हमारे होंगे वो कन्वल बेहोश हो गए होंगे चूहे, या वो हमारे मर जाएंगे। तो इस तरह हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं। तो बस यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कितने परसेंट हमने टेस्ट सैंपल यूज़ किया और कितने हमारे जो चूहे वगैरह थे वो हमारे मर गए, या कितने चूहे हमारे बेहोश हो गए। तो ये पूरा फंडा यहाँ पर हम चेक करते हैं और उसको फिर हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली सारा कुछ वैसे सेम ही था, सैंपल वगैरह, बस इतनी चीज़ अलग थी कि यहाँ पर हमने जो बनाया वो पूरे को हम एयर इंक्यूबेटर में रख रहे हैं 33 डिग्री सेल्सियस पे, और आधा एक घंटे बाद हम उनको चेक करते हैं, या तो वो हमारे मर चुके होंगे या वो बेहोश हो चुके होंगे, उनको हम यहाँ चेक करेंगे। तो ये बेसिकली फंडा होता है। अब इसमें थोड़ी सेफ्टी की बात की जाए तो मान लो इससे क्या होगा, मान लो कोई हमारे चूहे कन्वल्स हो गए यानी कि बेहोश हो गए, तो उनको 0.5 ml हम 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन देंगे, तो वो उसको ठीक करने में क्या करेंगे, हेल्प करेगा उन चूहों को। और जो चूहे हमारे बच जाते हैं, एनिमल बच जाते हैं, उनको हम फिर से अपने अगले एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा बेसिकली फंडा ये पूरा का पूरा बायो एसे ऑफ इंसुलिन का था। आई होप आप लोगों को ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी, कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दो नीचे, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। अब हम बाकी के दो और देखते हैं, लेकिन इनको हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे और कहानी आपको जो है नोट्स वगैरह में मिल जाएगी। तो पहले हम देखते हैं डी ट्यूबोक्यूरिन के ऊपर। तो ये बेसिकली हमारा, देखो आपको इंट्रो सबका लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली है डी ट्यूबोक्यूरिन है, तो ये हमारा जो स्केलेटन मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स करता है, यानी कि ये रिलैक्सेंट होता है, मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। तो हम इसका इफेक्ट क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जब ये दवा हमारे किसी उसको दी जाएगी तो उसका इफेक्ट कैसे होगा, क्या होगा, मतलब नहीं समझे, कोई बात नहीं, ऐसे समझो कि मान लो हमारे कोई ये व्यक्ति है खड़ा है,
ये हमारा खड़ा है, या उसका जो लेवल है वो ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया, तो हमने मान लो यहाँ पर डी ट्यूबिक्रेन दिया, तो अगर उसको हमने यहाँ दे दिया तो उसके जो हाथ वगैरह सीधे खड़े हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे, धीरे धीरे नीचे गिर जाएंगे और वो क्या हो जाएगा यहाँ पर गिर जाएगा, मतलब उसके जो मसल्स वगैरह है ना वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे रिलैक्स हो जाएंगे। तो वो रिलैक्स स्टैंड हमारा अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसी चीज़ को पता लगाते हैं हम इस बायो एसे ऑफ टी ट्यूबो क्यूरेरिन के अंदर। तो बात करते हैं हम यहाँ पर प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल में क्या देखेंगे कि जो हमारे रैबिट, इसको भी हम रैबिट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, वैसे एक और होता है, हमने मेनली रैबिट का ले लिया, अगर आपका आता है तो आप रैबिट का लिख दोगे आपके लिए इनफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल क्या देखेंगे कि जो हमारे रैबिट्स के ईयर होते हैं, कान होते हैं, वहाँ पर जो मार्जिनल बैन होती है वहाँ पर हम इस वाले ड्रग को इंजेक्ट करेंगे, और इससे क्या होगा जो हमारा रैबिट है उसकी जो मसल्स हैं हमारी वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे और रैबिट अपने आप को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो नीचे धड़ाम से गिर जाएगा। तो इस तरह हम इस अपने टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, तो ये हमें मतलब ऐसे तैयार, अभी आगे हम इसको देखेंगे, बाकी जो हमारा ये पूरा का पूरा अमाउंट है, जो हमारा टेस्ट सैंपल जितना हमको लगा ये इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम अपने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे और बाकी इफेक्ट देखेंगे। ये सारा फंडा आपको अभी समझ आ जाएगा जब हम इसका प्रोसीजर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रैबिट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमारे रैबिट्स रहेंगे वो लगभग 2 किलो या उससे थोड़े बहुत ऊपर हो सकते हैं, तो ये एवरेज में हमारे रहेंगे। बाकी जो हमारे रैबिट्स होंगे वो सभी के सभी हमारे डिसीज से फ्री होने चाहिए, और इन सबको हम हेल्दी कॉलोनी, मतलब जैसा होता है ना ग्रुप वगैरह बना होता है, तो जो हमारे हेल्दी दिखते हैं ज़्यादा उनमें से हम वो रैबिट को चूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा तरीका होगा एक्सपेरिमेंट के लिए हम उनको तैयार करें। तो ये सब फंडा होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर मतलब क्या होता है, चूहे जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करना है उनको हम अच्छे से खिला पिला रहे हैं और सारा फंडा कर रहे हैं, तो ये सब हमारा कहलाता है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कहलाता है। तो अब समझते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो हमारा क्या है, प्रोसीजर है, और ये आप समझ जाओगे तो सारी कहानी आप बड़े आराम से कर दोगे। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास एक होल्डर प्रेजेंट होता है। होल्डर आपको इस तरह समझो, मान लो ये जैसे काटते हैं ना किसी को गर्दन वगैरह काटते थे पहले ज़माने में, तो इस तरह से एक हमारा होल्डर सा प्रिपेयर होता है, आप चाहो गूगल वगैरह आप देख लेना। तो रैबिट को हम यहाँ पूरा फंसा देते हैं और गर्दन उसकी यहाँ पर इस तरह से हमारी निकल के आ जाती है, ठीक है। तो केवल गर्दन हमारी रहती है, बाकी रैबिट को हम थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं जिससे वो हिले डुले ना, ज़्यादा दिक्कत क्रिएट ना करे। तो इस तरह हमारा हो जाता है और रैबिट अपनी गर्दन को ऐसे उठाकर ऊपर रखता है। तो ये हमारा पहला हमारा काम हो जाता है, हम वहाँ पर छोड़ देते हैं और जो रैबिट की गर्दन होगी वो हमारी फ्रीली मूवेबल होगी, यानी कि रैबिट उसको ऊपर उठा के रखेगा। अब फंडा समझो क्या होता है, तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, अपने 8 रैबिट को चुनेंगे और 8 रैबिट को हम बराबर 2 पार्ट्स में कवर कर देंगे। एक हमारा रहेगा यहाँ 4 रैबिट, एक हमारा रहेगा 4 रैबिट। जो आपने एंड पॉइंट वाला पढ़ा था ना, जो पहले मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, उसी की तरह ये हमारा कुछ फंडा काम करता है। तो ये जो हमारा ग्रुप है, ए ग्रुप मान लो, इसको हम मान ले रहे बी ग्रुप, तो इसको क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अपना अप्लाई करेंगे डी ट्यूबो क्यूरेरिन का, और यहाँ पर हम अपना टेस्ट सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे डी ट्यूबो क्यूरेरिन का, और दोनों को हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। एक मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक हम इन्फ्यूजन के द्वारा इंजेक्ट करते हैं। अब इन्फ्यूजन और वैसे अंतर क्या होता है, तो मान लो ये किसी का हाथ है, ये एक नस है, तो अगर हमें इसमें इंजेक्शन देना है, तो अगर हमने लगाया और तुरंत हमने सारा का सारा ऐसे पिंच कर दिया एक बार में, तो वो हमारा होता है डायरेक्टली हमने इंट्रावेनस दिया। अब इन्फ्यूजन में क्या होता है कि मान लो ये नस है, हमने ऐसे इंजेक्शन लगाया, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कॉन्स्टेंट स्पीड पे इसको प्रेस करते बहुत ही हल्के से। इसके लिए कोई हमें एक्सपर्ट ही चाहिए होता है, नॉर्मल बंदा इसको नहीं कर पाएगा। तो इसको एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे धीरे धीरे हम प्रेस करते हैं धीरे धीरे, और जब धीरे धीरे प्रेस करेंगे तो जो हमारा वो होगा इंसुलिन का सॉल्यूशन होगा वो इसके अंदर हमारा सॉरी डी ट्यूब क्यूरेरिन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा इसके अंदर धीरे धीरे क्या जाएगा, अंदर जाने लगेगा। और ये कर कहाँ रहे हैं हम, जो हमारा रैबिट है उसके मुंह के पास, जो उसकी बैन है मर्जिनन वाली, वहाँ पर हम इसको कर रहे हैं, तो उसके गर्दन तक इफेक्ट जाना चाहिए इसका। तो हम इस तरह करते हैं, तो इसको हम कर रहे हैं और इसकी जो मेनली स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी कि 1 मिनट में लगभग 0.4 ml जो हमारा सॉल्यूशन है वो अंदर जाएगा, और लगभग 10 मिनट लग जाते हैं इस पूरे प्रोसीजर में। तो 10 मिनट तक ऐसे हमें इन्फ्यूज करना है, तो इसके लिए सच में क्या चाहिए, एक एक्सपीरियंस बनना चाहिए जो इन सब कामों को बड़े आराम से कर सके, ठीक है। बाकी इसके लिए एक अपैरेटस वगैरह भी आते हैं जो इसे काम मतलब इजी बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा, बाकी इसकी जो डोज होती है वो लगभग 0.012% वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि इतना वेट हम क्या करेंगे 1 ml सेलाइन में मिलाकर, और इस तरह से हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। ये सारी कहानी आप याद कर लेना। तो अब यहाँ पर समझो हुआ क्या, तो देखो नॉर्मली आपको दिख रही थी ये वाली कहानी, ऐसे ही समझ लो, डायग्राम समझ लो। तो ये हमारा क्या है, रैबिट का हेड है, और ये क्या है उसकी गर्दन है, नेक है, और ये उसका नीचे वाला पार्ट है। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं उसको मतलब अपना इन्फ्यूजन दे रहे हैं धीरे धीरे। तो जो हमारा डी क्यूवरिन है उसका काम क्या है कि वो हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। अब यहाँ पर जो रैबिट है वो इसमें फंसा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है रैबिट ऐसा तो होगा नहीं कि अपनी गर्दन को नीचे गिरा देगा, भाई खड़ी रखेगा। लेकिन जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं अपने ड्रग को यहाँ पर क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। तो जो डी क्यूवरिन जब अंदर आएगा तो अंदर जाके क्या करेगा, यहाँ पर अपना मसल्स रिलैक्सेंट वाला काम
बढ़ाएगा। तो जब रिलैक्सेंट बढ़ेगा तो ये जो गर्दन होगी यहाँ पर भी वही अपना इफेक्ट आएगा। तो जो रैबिट होगा उसका क्या होगा, धीरे धीरे ये गर्दन क्या होगी, नीचे डाउन होने लगेगी। क्या होगी, नीचे धीरे धीरे डाउन होगी। लेकिन रैबिट तो अपनी कोशिश करेगा भाई अपनी गर्दन उठाने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे फंसा हुआ रखा है इस होल्डर में। तो ऑब्वियसली बात है, मान लो आपको कहीं होल्डर में ऐसे दबा के रख दिया जाए तो आप सो तो नहीं जाओगे ना वहाँ पे, आप एकदम वही तो रहोगे, एकदम उठे हुए रहोगे, सचेत रहोगे। तो सेम फंडा कि यहाँ पर हमारा रैबिट फिक्स है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे ड्रग देते हैं वो रैबिट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ड्रग अपना काम करेगा और उसकी जिस वाले पॉइंट पर उसकी गर्दन नीचे गिर जाती है उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एंड पॉइंट बोलेंगे। और उतना ही ड्रग, जितने ड्रग के अमाउंट में हमारे वो रैबिट की गर्दन गिर गई, वही ड्रग हम क्या ले लेंगे, मेन अपना ले लेंगे। और इस केस में क्या होता है, कई बार जो रैबिट होता है उसकी जान भी चली जाती है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं उसको, लीथल डोज बोलते हैं। तो लीथल डोज बोलते हैं इसको, जिसमें क्या हो जाएगा, रैबिट की गर्दन क्या हो जाएगी, तुरंत नीचे गिर जाती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जितने जो हमारा ड्रग जितना लिया उतने में, जितने में जो रैबिट की गर्दन नीचे गिर गई है उस ड्रग को हम निकालेंगे, और बाकी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड की जो हमारी वैल्यू होती है उसके साथ हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको हम बार बार इन एनिमल्स के ऊपर अप्लाई नहीं करते, क्योंकि स्टैंडर्ड हमको पहले से काम पता होता है, अब इसके लिए क्यों बेचारे जानवरों की जान ले। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ज्यादा मतलब अप्लाई वगैरह नहीं करते हैं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, जितने ड्रग में जितने टाइम में हमारा जो वो रैबिट होगा उसकी गर्दन नीचे गिरेगी, यानी कि रिलैक्सेंट का काम उतनी जल्दी हमारा निकला है, तो बस उसी का क्या निकालते हैं, मीन डोज निकालेंगे। और इसको हमने 8 रैबिट पे दिया तो सभी का हम क्या निकालेंगे, फाइनली मीन निकालेंगे। और इसके द्वारा क्या करेंगे, हम अपनी जो भी हमारी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होगी उसके साथ हम इस टेस्ट वाली प्रिपरेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये एक्चुअल में हमारा टेस्ट पास हुआ कि फेल हुआ। तो एक तरह से आपको मोटा मोटा पूरा समझ आ गया कि कैसे ये हमारा काम करता है। तो बस आप जो है यहाँ नोट्स आपको दे दूंगा, आप इसको बना के बड़े आराम से लिख सकते हो। एक प्रॉब्लम हमारी आती है इसमें, देखो ऐसा नहीं है, बचाने की भी पूरी कोशिश की जाती है। तो अगर यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट अचानक होने लगता है इसकी वजह से, जो ड्रग्स वगैरह अप्लाई किया जाता है, तो उस टाइम पर इमरजेंसी में क्या है, नियोस्टिगमाइन मिथाइल सल्फेट या फिर एट्रोपिन सल्फेट, दो तरह के हमारे ड्रग होते हैं। जब भी मान लो लगता है रैबिट हमारा बच सकता है, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो उसको तुरंत ये इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं मार्जिनल ईयर वेन में और उसको बचा लिया जाता है। तो इस तरह ये हमारा पूरा फंडा काम करता है, ठीक है। अब शॉर्ट में आप बायो ऐसे आप डिजिटलिस भी समझ लो, तो डिजिटलिस हमारा होता है बेसिकली क्या करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है हमारे हार्ट के अंदर। तो एक तरह से देखा जाए तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को, कार्डियक आउटपुट को, इन सबको बढ़ाने का काम कर रहा है, सिंपल सा फंडा है। तो इसका जो प्रिंसिपल है हमें यही तो चेक करना है कि हमारा डिजिटलिस अपना काम सही से करेगा या नहीं करेगा। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो सिंपल क्या होगा कि जो हमारा ड्रग होगा टेस्ट वाला उसकी जो पोटेंसी हमने यहाँ चेक की उसको हम स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के साथ कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे कि ये अपना इफेक्ट कार्डिक मसल पे कितना शो कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है यहाँ पे प्रिंसिपल फंडा होता है। अब बात करते हैं हम सैंपल कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सैंपल बेसिकली हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने डिजिटलिस के द्वारा, और जिसमें एक यूनिट में लगभग 76 mg प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी इसमें सॉक्सलेट अपैरेटस मेथड के द्वारा हम अपने एक्सट्रैक्ट करके पता लगा लेते हैं, ये आप कोग्नोसी में जानते होंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं अपने ड्रग को निकाल लेते हैं बाहर। अब ड्रग निकल गया, उसके बाद यहाँ पर दो मेथड हमारे यूज किए जाते हैं, एक हमारा है गुइनिया पिग मेथड, एक हमारा होता है पिजन मेथड। दो तरह के होते हैं, तो इसमें एंड पॉइंट वाला हम मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ सिर्फ मैं आपको एक बता रहा हूँ, अगर आप एक भी लिख कर आते हैं ना एग्जाम में तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया इनफ होगा, ये बाकी मैं देखूंगा नोट में इंक्लूड कर दूंगा। तो ये हमारा है गुइनिया पिग मेथड। तो अब समझो कैसे होता है क्या होता है। तो पहले आप देख लो, ये जो हमारे होते हैं ये कुछ इस तरह के हमारे क्या होते हैं, देखने में होते हैं, ठीक है। आपको ये दिख रहे होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, गुइनिया पिग बोलते हैं। थोड़े बहुत चूहों की तरह ये आपको देखने में लग रहे होंगे, बाकी आप नेट वगैरह पे जाके अच्छे से इनको देख सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जब हम इनको लेते हैं, सबसे पहले हम इनको एनाथाइज करेंगे। एनाथाइज मतलब बेहोश कर, इनको मतलब एनेस्थेसिया देंगे, जिससे इनकी पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, एक तरह से बेहोश हो जाती है, रिलैक्स वगैरह हो जाती है। तो ये सारे काम करने के बाद हम इनको क्या करेंगे, ऑपरेशन टेबल पे लिटा देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरह से, देखो यहाँ पर क्या किया, इसको ऑपरेशन टेबल पे इस तरह से लिटा दिया। उसके बाद इसकी क्या होती है, यहाँ पर जियोग्यूलर वेन, ये हमारी जो वेन होती है जो हमारे ऊपर की साइड जहाँ पर ये दिख रही होगी, इस साइड हमारी प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर दिख रहा है कि ये हमारी क्या है, इसकी वेन है। तो इस वेन को क्या हुआ है, यहाँ पर ढूंढा जाता है, और ढूंढने के बाद क्या होता है, यहाँ की थोड़ी बहुत टिश्यू वगैरह ऊपर से हटा दी जाती हैं, और उसके बाद यहाँ पर फाइनली ढूंढी जाती है वीनस कैन्यूला। तो यही हमारी एक्चुअल में, जिसके द्वारा क्या होगा, हमारे जो डिजिटलिस है वो इन पिक के अंदर, जो गुइनिन पिक है इसके अंदर हमारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये चीज़ आपने सारी देख ली। अब समझो फंडा होता क्या है। तो जब ये पूरा फंडा हो जाता है, उसके बाद क्या होते हैं, एक पिन होती है, जैसे मान लो ये हमारा हर्ट है, तो इसके ऊपर क्या होता है, हमारा एक अपेक्स वाला जो पार्ट है हर्ट का, वहां पर क्या होता है, एक पिन इस तरह से हम छिपा देते हैं, अपेक्स वगैरह हटा के हर्ट के अंदर एक इस तरह की पिन लगा देते हैं। अब देखो हमारे जो गुइनिन पिक
जाएगा, वो बेहोश है, मरा तो नहीं है। तो जो उसका हर्ट है वो तो हमारा धड़क रहा होगा, तो हर्ट हमारा क्या हो रहा है, धड़केगा, तो जो हमारी पेन है वो हमारी क्या होगी, ऊपर नीचे जहाँ पर अपना मूवमेंट शो करेगी। तो इसी के द्वारा अब जो हम लोग हैं जो मतलब इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं उनको ये दिखने लग जाएगा कि हमारा जो हर्ट है वो क्या कर रहा है, अपना यहाँ पर काम शो कर रहा है। ठीक है, तो जब हम ये देख लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने ड्रग को अप्लाई करेंगे उस वाली जो हमारी ये वेन्यूनस कैन्यूला वेन है, इसके जो हमारी ये वीनस कैन्यूला है इसके थ्रू क्या करते हैं हम अपने ड्रग को इंजेक्ट करेंगे इन्फ्यूजन के थ्रू। और तब तक हम ये करते रहते हैं जब तक जो हमारा हर्ट है इसमें क्या हो जाए, सिस्टोल ना हो जाए, यानी कि एक तरह से अरेस्ट ना आ जाए कार्डियक अरेस्ट। तो जिस वाले केस में क्या हो जाएगा, हमारा ये एकदम हटक जाएगा, उतने को हम क्या निकाल लेंगे कि वो हमारा क्या है, एक टेस्ट सॉल्यूशन का एक वैल्यू निकल के आई है, जिसमें क्या हुआ हमारा हर्ट एकदम बहुत तेज धड़क के और अचानक क्या हुआ, धड़क के पूरा एक तरह क्या अटैक आ गया, एक तरह से मतलब सिस्टोल वाली कंडीशन आ गई, बहुत तेज क्या हो गया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गई। क्यों हुई, क्योंकि जो डिजिटाइलिस है उसका काम ही क्या होता है, हमारे इस चीज को बढ़ाने का काम होता है। तो सेम हमने ये पूरा फंडा करते हैं हमारा बाकी, और बाकी यही सेम फंडा हम जो हमारा कार्डिक ग्लाइकोस जो हमारे डिजिटाइलिस स्टैंडर्ड होते हैं उनके साथ भी करते हैं, और उनको हम क्या करते हैं इसके साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन हम केवल ऐसे नहीं कंपेयर करेंगे, यहाँ पर हम लीथल डोज निकालते हैं, तो यहाँ पर 19 हम ऐसे और एनिमल लेते हैं, एक लिया उसके बाद 19 लेंगे, टोटल 20 होगा। और आपको पता है लीथल डोज क्या होती है, जब हमारे 50% जो एनिमल्स होते हैं वो इस पर मर जाते हैं जिस डोज पर, वो डोज हमारी लीथल डोज कहलाती है, यानी कि जहरी खतरनाक डोज हो जाती है, डेथ वाली डोज। तो उस वाली डोज को हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं, फिर उस वाली डोज को हम क्या करेंगे, हमारे जो स्टैंडर्ड वाले होंगे उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे और क्या करेंगे यहाँ पर निकालते हैं कि ये चीज़ हमारी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो बस सिंपली इसी तरह से होता है, ठीक है। बाकी इसमें वही हम क्या करेंगे, पोटेंसी हमारी जब निकल आएगी तो जो भी हमारी डोज होगी उसकी हम एवरेज लीथल डोज निकालेंगे, उसको हम कंपेयर कर देंगे अपने स्टैंडर्ड के साथ, और इस तरह हम सारा फंडा यहाँ पर निकालते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ आ गया होगा। बाकी एक करेक्शन भी कर लेना कि जो हमारा ये वाला था रैबिट वाला था, इसमें हमारी मरते वगैरह नहीं है, इसमें केवल गर्दन हमारी हेड डाउन होती है और बस वही हमको देखना होता है। तो ये बेसिकली सारा फंडा होता है। आई होप आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब बारी आती है कि अगर हमारा इसके अलावा कोई और आता है तो देखो, अगर ऑक्सीटोसिन वाला आता है तो पहले आप सारा कुछ बायो ऐसे डिफाइन कर देना, उसका प्रिंसिपल डिफाइन कर देना, ऑक्सीटोसिन को आप डिफाइन कर देना। और ऑक्सीटोसिन में आपका पता क्या होता है, ये हमारे यूट्रस को रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। तो आप उसके प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, ऑक्सीटोसिन क्या करेंगे, हम कंपेयर करते हैं इसके स्टैंडर्ड को उसके साथ। तो इस तरह आप यहां पता लगा सकते हैं। बाकी मैं नोट्स दे दूंगा, आप थोड़ा बहुत पढ़ के और लिख जरूर आना, खाली छोड़कर मत आना, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा आज का फंडा था। बाकी सबके बारे में आप थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी नई वीडियो में। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दो, और नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे टेलीग्राम वगैरह पे। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।